बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट होम। ओके जी, टुडे इज़ योर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास समरी। ओपन योर मैथमेटिक्स बुक क्लास 5, पेज नंबर 50, एक्सरसाइज 3.2। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज में हमने कौन सा ऑपरेशन करना है? मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करना है कि जब हमारे पास टू और मोर फ्रैक्शंस गिवन हो और उसके बीच में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टू फ्रैक्शंस यहाँ पे हमें गिवन है और बीच में ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का है, 1/4 मल्टीप्लाई 2/3। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद रीराइट करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लीकेशन में जिस तरह प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने आपको टू फ्रैक्शंस के बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन जब हमें टू फ्रैक्शंस के बीच गिवन हो तब हम एलसीएम लेते थे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमने कोई एलसीएम नहीं लेना, हमने एलसीएम का मेथड यहाँ पे नहीं करना। हमने क्या करना है, सिंपली इसकी क्रॉस में या अप एंड डाउन कटिंग करनी है। अब यहाँ पे आप चेक करें, 2 और 4 की कटिंग होती है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कटिंग करने के बाद आप इसको लिख लें, 1/2 आ गया मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, क्रॉस में भी और अप एंड डाउन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने वर्टिकली चेक करनी है, आपने हॉरिजॉन्टली चेक नहीं करनी। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/6 आ गया। आंसर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, 64/35 ऑफ 25/16। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कोई साइन गिवन नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। जिधर आपको ये वर्ड नज़र आ जाए ऑफ, इट मीन्स कि आपने उन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर करना है। ठीक है, 64/35 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, 25/16। अब यहाँ पे चेक करें कि क्या कटिंग पॉसिबल है। हमने कटिंग क्रॉस में करनी होती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, एक ही नंबर से हम इसकी कटिंग करते हैं, 5 से इसकी और इसकी कटिंग हो गई। इसी तरह 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 16 से हमारे पास 64 और 16 की कटिंग हो गई। क्या हमारे पास आ गया 4/7 मल्टीप्लाई 5/1। फिर इसको चेक करें कि क्या अब इसकी दोबारा कटिंग होती है। 4 और 1 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, 5 और 7 की भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7, 20/7 आंसर आ गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपने आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट इसका चेक करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन को रीराइट कर दें, यहाँ पे देखें 2 के नीचे हमें कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ ना, वहाँ पे हमारे पास हिडन डिनोमिनेटर मौजूद होता है। वो कौन सा होता है, 1, जहाँ पे आपको न्यूमरेटर की वैल्यू दी हुई हो और डिनोमिनेटर ना हो वहाँ हमारे पास 1 मौजूद होता है। हम यहाँ 1 पुट कर लेंगे, इसकी कटिंग देखेंगे, इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 ज़ा 2 आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया। आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट इसी तरह होगा, थर्ड पार्ट भी इसी तरह, फिफ्थ पार्ट देखें, 5/8 मल्टीप्लाई 6, 5/8 मल्टीप्लाई 6। इसके नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया। अब चेक करें कि क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है, 2 की टेबल में 6 भी आता है और 8 भी आता है, 2 की टेबल से इस 6 और 8 की कटिंग हो सकती है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 5/4 आ गया यहाँ से, मल्टीप्लाई 3/1 आ गया यहाँ पे। अब इसकी दोबारा कटिंग पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है। हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, 4 3 ज़ा 12, 5 माइनस 2 3। डिवाइड जब हमने किया तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, रिमाइंडर हमारा जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, क्वेश्चन जो हमारा आया है वो हमारा होल नंबर बन जाएगा और जो डिवाइज़र है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो गया। फिर हम इसका सिक्स पार्ट देखते हैं,
सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, यहाँ भी सिक्स हमारे पास होल नंबर दिया हुआ है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, हम खुद से यहाँ पे वन लगा देंगे, इसका डिनोमिनेटर वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग क्रॉस में चेक करें, वन और वन की तो कटिंग नहीं होती, सिक्स और थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, दोनों थ्री की टेबल में आते हैं, इसकी हमने कटिंग कर दी, यहाँ से आ गया टू बाई वन मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया वन बाई वन, टू वन ज़ा टू हो गया, वन वन ज़ा वन, डिनोमिनेटर में आप वन पुट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, टू आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग, इसका भी हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वन बाई फाइव मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, यहाँ पे हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ पे खुद से वन ऐड नहीं करेंगे, खुद से वन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वन बाई फाइव मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, कटिंग पॉसिबल नहीं है, हमने क्या करना है, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आ गया, फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, वन बाई फिफ्टीन आंसर आ गया, आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में है इसलिए हम इसको बट नहीं करेंगे। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एक और हमारे पास पार्ट है वन बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर बाई सेवन, वन बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर बाई सेवन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर दें, उसके बाद चेक करें कि क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है, वन और सेवन की तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, फोर और ट्वेल्व की कटिंग पॉसिबल है, हमारे पास फोर के टेबल में ट्वेल्व भी आता है और फोर भी आता है, फोर वन ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा वन बाई थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा वन बाई सेवन, फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं, हमने क्या किया, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन आ गया, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, वन बाई ट्वेंटी वन, न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू, एक और पार्ट हम देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट, वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई थ्री बाई फोर, वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई थ्री बाई फोर, क्वेश्चन रीराइट कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा कटिंग चेक करें, टू की थ्री की टेबल में हमारे पास थ्री भी आता है, सिक्स भी आता है, थ्री की टेबल से इन दोनों की कटिंग हो गई, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, यहाँ से वन बाई टू आ गया मल्टीप्लाई वन बाई फोर, फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है इसकी, वन वन ज़ा वन, टू फोर ज़ा एट, वन बाई एट आंसर आ गया, आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हो आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा हो तब आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसमें एलसीएम का मेथड फॉलो नहीं करना, आपने इसमें डायरेक्ट कटिंग करनी है, कटिंग किस तरह करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या शो कर रहा है, क्रॉस, क्रॉस में आपने कटिंग करनी है, या फिर आप अप एंड डाउन कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को टू टाइम्स रीड करेंगे। साजिद कवर्ड सेवन बाई नाइन पार्ट ऑफ अ 18 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल एंड द रेस्ट ऑन फुट, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाय बाईसाइकिल। एक दफ़ा हम दोबारा क्वेश्चन अपना रीड करते हैं ताकि हम स्टेटमेंट्स इससे बना सकें। साजिद कवर्ड सेवन बाई नाइन पार्ट ऑफ अ 18 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल एंड द रेस्ट ऑन फुट, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाय बाईसाइकिल। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि साजिद ने जो है सेवन बाई नाइन पार्ट कुछ हिस्सा उसने कवर किया है 18 किलोमीटर डिस्टेंस का, यहाँ पे किलोमीटर डिस्टेंस 18 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है कि टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है, टोटल फासला जो है वो हमारे पास क्या है 18 किलोमीटर है, और इस 18 किलोमीटर में से साजिद ने कुछ हिस्सा 7 बाई नाइन फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दिया हुआ है कि कुछ हिस्सा उसने 7 बाई नाइन पार्ट उसने उसका डिस्टेंस का कवर किया है बाईसाइकिल पे, ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा उसने कवर किया होगा वो हमें नहीं गिवन, वो हमें उन्होंने कहा है वो उसने फुट पे कर लिया, ठीक है, पैदल चल के कर लिया। पूछ क्या हमसे रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाय बाईसाइकिल, हमसे कह रहे हैं कि बाईसाइकिल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप हमें वो बताएं, डिस्टेंस बताएं, किलोमीटर्स में बताएं, यहाँ तो हमें फ्रैक्शन में मौजूद है ना हमें पार्ट कि इतना पार्ट उसने बाईसाइकिल पे किया हुआ है, हमने इसको किलोमीटर्स में बताना है कि कितना फासला उसने तय किया है। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स इसी क्वेश्चन में से बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना था 18 किलोमीटर, ठीक है, ही कवर्ड साजिद कवर्ड लिख लें या ही कवर्ड डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल के, उसने बाईसाइकिल पे कितना डिस्टेंस कवर किया 7 बाई 9, 7 बाई 9 है कितने में से 18 में से, 7 बाई 9 ऑफ 18 के 18 किलोमीटर का इतना हिस्सा उसने जो है बाईसाइकिल पे कवर किया है, ठीक है।
अब मैंने आपको कहा था 7/9 ऑफ जहाँ पे हमें गिवन हो वहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया 18, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं था, हमने क्या किया 1 पुट कर दिया। उसी तरह कटिंग करें, 9 1 9, 9 2 18 आ गया, फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 7 2 7 2 आ गया, 7 2 14 14 किलोमीटर। यहाँ पे अब हमें किलोमीटर में होल नंबर में डिस्टेंस मौजूद हो गया। लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाईसाइकिल, के बाईसाइकिल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, 14 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में हमें डिस्टेंस मिल गया। यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, आपने इसकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।